हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एरा पब्लिक स्कूल। कल हमने छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी, जिसमें हमने क में ई की मात्रा मिलाई तो की। अब ध्यान दीजिए कि छोटी ई की मात्रा अक्षर के पीछे से चढ़ती है। आज हम बात करेंगे बड़ी की मात्रा की। ये मात्रा उसी अक्षर के आगे से चढ़ती है। च में ई की मात्रा मिलाएंगे तो बनेगा ची। र में ई की मात्रा मिलाएंगे तो बनता है री। द में ई की मात्रा दी। ल में ई की मात्रा ली। ध्यान दीजिए, आपने जो छोटी मात्रा लगाई थी पीछे से, अगर हम इसी में पहले मिलाएंगे च में ई की मात्रा ची, च में बड़ी ई की मात्रा ची। आपने दोनों में अंतर देखा, छोटी मात्रा थोड़ी सी बोली जाती है थोड़ी देर, और बड़ी मात्रा देर तक बोली जाती है। र में ई की छोटी की मात्रा री, और र में बड़ी ई की मात्रा री। तो आज हम यही मात्रा पढ़ेंगे। आइए कॉपी में देखते हैं। शुरू करते हैं ख। ख प्लस ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बना खी। और इसी को हम जब बनाएंगे तो ख प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस र मिलाकर बनता है ख। ख में ई की मात्रा खी। र क्या बना? खीर। आगे देखिए क। क में बड़ी की मात्रा की प्लस ल, क्या बना? क में बड़ी की मात्रा की ल, की। आगे ग। ग, ग में बड़ी की मात्रा गी प्लस त, क्या बना? गीत। आगे देखिए व। व में बड़ी की मात्रा वी प्लस र बनता है वी र, वीर। प प्लस र, र में बड़ी ई की मात्रा, प में कोई मात्रा नहीं है, र में बड़ी ई की मात्रा री, परी। ह प्लस र, र में बड़ी ई की मात्रा री, मिलाकर बनता है ह री, हरी। आप लोग इसको सुंदर सुंदर लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्लेट या रफ कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की। लिखते समय तो आप बोलेंगे ही, लेकिन बाद में इसको दो बार पढ़ना है, पूरे को बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, ओके।